बस्तर का आदिवासी अब अपने हक और अधिकार के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और अब इसमें युवा भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनके हक अधिकार के इस धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार कितना जागरूक हो रही है या उनके मांगों को लेकर सरकार कितना सचेत हो रही है, कितनी गंभीर हो रही है, ये सोचने वाली बात है। और इसको लेकर आज एक बड़ा उदाहरण अबूझमाड़ के मुहाने से निकल कर आया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि अबूझमाड़, जो कि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारे बहुमूल्य खनिज दबे पड़े हैं। इसमें लौह भी है और अलग अलग चीज़ें। इसी में एक लौह अयस्क की खदान है, लोहे की खदान, जिसे अमदई घाटी के नाम से जाना जाता है, अमदई खदान। उसमें निको जायसवाल कंपनी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया जा रहा है और उत्खनन का कार्य किए जाने की वजह से अब आप कभी अगर जाएंगे अबूझमाड़ के इलाके में तो छोटे डोंगर से लेकर नारायणपुर तक की सड़क पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। उस इलाके में रहने वाले लोगों की शिकायत है कि जब से खदान शुरू हुई है तब से इस खदान की वजह से जो ट्रकें आवागमन कर रही हैं उससे सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इससे बेहतर तो ये था कि सड़क ही ना होती। लेकिन उनकी जो समस्या है वो तो खैर छोड़ दीजिए, अब उसमें एक नया मोड़ ये आया है। इसी अमदई घाटी के खदान को लेकर माओवादी लगातार विरोध भी करते रहे। माओवादियों ने कई बार वहाँ काम करने वाले मजदूरों को चेतावनी भी दी। चेतावनी के साथ साथ उन्होंने आईडी बम तक लगाया, कुछ मजदूर तक उसके चपेट में आ गए थे। अब इसके बाद आता है उस इलाके के लोगों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन की बात जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की। अब ये हुआ है कि आज से 3 दिन पहले से छोटे डोंगर का जो इलाका है जहाँ पर ये अमदई की खदानें भी हैं, वहाँ पर 7 पंचायत के जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसको लेकर हमने पहले भी एक छोटी सी वीडियो तैयार करके आपके सामने दिखाया था। तो वहाँ के 7 पंचायत के जो बेरोजगार युवा हैं, जिसकी संख्या लगभग 200 से 250 की है, उन्होंने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे 3 दिन से निको जायसवाल के द्वारा जो उत्खनन का कार्य किया जा रहा है और लौह अयस्क का जो परिवहन किया जा रहा है वो कार्य पूरी तरह से ठप हो गया था। उनकी मांग थी कि उनके 7 पंचायत इस अमदई खदान के अंतर्गत आते हैं, वो भी प्रभावित लोग हैं, तो उन्हें इस खदान में रोजगार दिया जाए। इसको लेकर वो लगातार 3 दिन से विरोध कर रहे हैं और काम में जब बाधा हुई तो आज ये हुआ कि जो छोटे डोंगर की पुलिस है सबसे पहले उन आंदोलनकारियों के पास पहुंची, उन्हें मनाने समझाने की कोशिश की गई और जब नहीं माने तो उसमें से 5 युवाओं को पुलिस अपने साथ लेकर थाने चली आई। इसको देखते ही सारे युवा और जो आंदोलनकारी हैं वो उग्र हो गए और उन्होंने थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। जब मामला बिगड़ने लगा तब पुलिस ने निको जायसवाल कंपनी के प्रबंधन को बुलाया और उन युवाओं और जो आंदोलनकारी युवा हैं और प्रबंधन के बीच में बातचीत करवाई। बातचीत में सबसे पहले जो प्रबंधन है उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है और युवाओं ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के बाद उन्हें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट हों तो धरना और भी ज़्यादा उग्र किया जाएगा। सबसे पहले आप उन युवाओं की बातचीत सुन लीजिए और जो युवाओं ने इस धरना प्रदर्शन के दौरान कहा है। जी, मेरा नाम रोहित कुमार नाग है, मैं ग्राम पंचायत नयापारा छोटे डोंगर का निवासी हूँ। तो हम 0 पॉइंट पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, तो आज हमारा 4th दिन था। तो 2 दिन पहले ETI साहब एक बार आए थे तो कलेक्टर से बात हुआ तो वो हम लोग को स्टॉप वाले को चढ़ने दो, बाकी ट्रक को रोक सकते हो ऐसा परमिशन दिए, तो हम ट्रक को रोके। तो आज 4th दिन फिर ETI साहब आए और फिर ना हटो यहाँ से हटो बोले, तो हम रोजगार पाने के लिए बैठे हैं बोल के नहीं हट रहे थे वहाँ से, तो ना जबरदस्ती मनीष का कालर को पकड़े, हाथ को पकड़े और फिर ना गाड़ी में बैठ कर कभी थाना ले जाता हूँ, तुम सबको थाना ले जाऊँगा, मैं सबको ठकूँगा बोले। तहसीलदार साहब भी थे, सबको ले जाओ बोल रहे, तो ठीक है सर हम सबको ले जाओ, हम बेरोजगार युवा हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं बोल के सब यहाँ पर आ गए। मेरा नाम तुलाराम दियारे, ग्राम पंचायत छोटे डोंगर से हूँ। आप लोग किस मांग को लेकर बैठे हैं और कितने पंचायत के लोग हैं? हम लोग बेरोजगार संघ के मजदूर हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिला है, हम 7 पंचायत के हैं। कहाँ पे रोजगार नहीं मिला आपको? हमको जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड छोटे डोंगर से, यहाँ का जो माइनिंग खदान है वहाँ से माल जा रहा है, लेकिन हम स्थानीय हैं यहाँ के, लेकिन हमको यहाँ पर हमारे स्थानीय में हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या जब माइनिंग लगने से पहले आपके लोगों से क्या बात हुई थी? माइनिंग लगभग हम छोटे बच्चे थे उतना समय पूर्वजों से क्या ग्राम सभा में क्या बात हुआ था वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा हक है
हम स्थानीय अभी जो हैं युवा, हम रोजगार चाहना चाहते हैं निको माइनिंग में। जैसे आप लोगों का प्रभावित गांव है, तो प्रभावित गांव में क्या क्या विकास हुए हैं आपके? यहां पर प्रभावित गांव में कुछ 7 पंचायत के 10 किलोमीटर के अंदर आता है, फिर भी यहां पर कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ एक एम्बुलेंस छोटे डोंगर में दिया गया है, वो भी छोटा सा, और उसको ज्यादातर निको ही यूज करती है, और कम से कम कभी कभार इमरजेंसी पड़ने पर ही गांव के लिए मदद किया जाता है। और यहां पर गांव में और क्या स्थितियां हैं? स्थिति तो बहुत जर्जर है। सड़क की देखो, हर दिन 150-200 गाड़ी चलती है, जर्जर हो गई है। पूरे नारायणपुर से ओरछा मार तक पूरा गड्ढे पड़े हुए हैं, वहाँ पर कई घटनाएं घटती है आए दिन, रोज दुर्घटनाएं, किसी की मौत होती है, जानवरों की मौत होती है, बच्चों की मौत होती है, यहाँ पर बहुत दुर्लभ हो गया है। रोजगार को लेकर इससे पहले आप लोग कहाँ काम करते थे? इस रोजगार के लिए जो घर में है वो खेती करता था, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी कोई प्रशिक्षण नहीं निको की तरफ से, ना कुछ नहीं है, और बाकी लोग तो जो पढ़े लिखे रही है सर बोर गाड़ी में भग जाते हैं। कहाँ जाते थे बोर गाड़ी में? तमिलनाडु, आंध्रा, इसलिए अब उनको मत जाइए, यहाँ पर हमारे पास रोजगार है, इसलिए हम रोजगार मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। पलायन करते थे? हाँ, पलायन करते थे दूसरे स्टेट में। अभी आपका मांग यही है? हाँ, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। मेरा नाम मनीराम कचलम है, मैं टेकानार का निवासी हूँ। 0 पॉइंट पे हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जो डोंगर का TI साहब आके वहाँ पे जोर जबरदस्ती करके एक मनीष राणा का जो कालर पकड़ के अंदर मतलब गाड़ी में जोर जबरदस्ती बिठाए और डोंगर थाना में लेके आए हैं। कितने लोग को लाए हैं? 5 लोग को लेके आए हैं। उनका पहले आधे लोग को 0 पॉइंट पे 3 लोग को पकड़े और 2 लोग को इस पर पकड़े। तो सुना आपने कि युवाओं ने किस तरह से अपनी बात कही है, कि किस तरह से वो बेरोजगार हैं, उन्हें लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। वहीं प्रबंधन की तरफ से भी एक कर्मचारी ने एक बयान जारी किया है कि किस तरह से 400 लोगों को लेबर के तौर पर काम रखा गया है काम पर, अगर ज़रूरत पड़े तो और लोगों को भी रखा जाएगा। फिलहाल उन्होंने संतुष्टि भरा जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन 10 दिन की मोहलत अब जरूर मांगी है। उस कर्मचारी की भी बात सुन लीजिए आप। सर, एक्चुअली में ये लोग बेरोजगारी हुए हैं यहाँ के, ऑलरेडी हमारे पास 410 लेबर जो काम कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि उनकी तरह ही हमारा भर्ती जो भी है सेम प्रक्रिया हमारे साथ भी किया जाए। फिलहाल सर हमारे पास ऑलरेडी 410 लेबर भर्ती किया हुआ है, तो अभी फिलहाल भर्ती लेना संभव नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रबंधन के कर्मचारी ने कहा है कि अभी लगभग 400 लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया गया है, अगर और लोगों की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी काम पर रखा जाएगा। इस दौरान हालांकि हम लगातार पुलिस से संपर्क करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस का कोई बयान अब तक हमारे पास नहीं पहुँचा है कि आखिर किस वजह से आंदोलन कर रहे युवाओं को किस धारा के अंतर्गत उठाकर थाने लाया गया, और जब थाने लाया गया तो किस कार्रवाई उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की गई, कार्रवाई नहीं की गई तो फिर किस आधार पर उन्हें छोड़ दिया गया, या क्या कुछ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर का अबूझमाड़ का युवा अब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर धरने प्रदर्शन पर बैठ रहा है। अब आप भी सोचिएगा ये युवा गलत हैं या सही, आप भी कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर, क्योंकि ये युवा आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? अब तक आंदोलन बस्तर में कई आंदोलन होते रहे हैं, सिलगेर का आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन कैंप के विरोध में, और उसे देखते देखते कई जगह पर पूरे बस्तर में अलग अलग जगह पर आंदोलन शुरू हुए जो कैंप के विरोध में, चौड़ी सड़कों के विरोध में रहे। अमदई घाटी को लेकर भी, अमदई खदान को लेकर माओवादियों का विरोध रहा, वहाँ के आदिवासी भी पहले विरोध करते रहे इस खदान का, लेकिन जब खदान नहीं बंद हुई तो 7 पंचायत के युवाओं ने अब फिर से अपनी नई मांग रखी है कि उन्हें रोजगार दिया जाए। क्या रोजगार के लिए उनकी अगर ज़मीनें गई हैं तो आंदोलन करना गलत है या सही, ये आप मुझे बताएंगे। पुलिस के द्वारा उन्हें उठाकर ले जाना सही है या गलत, ये भी आप बताइएगा। और साथ ही साथ जो कर्मचारी ने, निको जायसवाल कंपनी के जो प्रबंधन कर्मचारी ने जो बयान दिया है कि 400 लोगों को हमने लेबर के तौर पर काम पे रखा है और लोगों की ज़रूरत होगी तो रखा जाएगा, क्या ये बयान सही है? और 10 दिन की मोहलत के बाद क्या आपको लगता है
कि वाकई कंपनी को ऐसा संतोष भरा जवाब दे पाएगी ये युवा अब उग्र आंदोलन ना करें। क्या युवाओं का आंदोलन करना सही है गलत, ये भी आप बताइएगा। मुझे लगा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बस्तर के आदिवासी युवाओं से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बस्तर में कहा जा रहा है कि यहाँ ज़मीनों के अंदर बहुत ही महंगे महंगे जो खनिज हैं वो दबे पड़े हैं और सरकार की नज़र इन खदानों पर है, इन खनिजों पर है, उसके उत्खनन के लिए ही माओवाद को समाप्त किया जा रहा है, ऐसे भी कई लोगों का आरोप होता है सरकार के ऊपर। अगर वाकई में ये सच है तो क्या आने वाले समय में सभी तरफ खदानें खोदी जाएंगी, और अगर खदानें खोदी जाएंगी तो बस्तर के जो युवा हैं, जो स्थानीय युवा, उनको क्या इसी तरह से केवल लेबर की नौकरी दी जाएगी या वो भी नहीं दी जाएगी? बहुत सारे सवाल मन में हैं। मुझे लगा इसीलिए इस वीडियो को तैयार करना ज़रूरी है, इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको लगे कि ज़रूरी मुद्दा इसे शेयर करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ में तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Oh,